हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे, जिसका नाम है वैंसी एंड आशु व्लॉग्स और मेरा नाम है वंदना। तो आज 28 दिसंबर की मॉर्निंग से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। तो हमने जो सुबह के चाय वगैरह है वो हमने पी लिया है। आज हमने कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया है क्योंकि ब्रेकफास्ट में ना कुछ तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं, तो फिर इसलिए ना मैंने डायरेक्ट खाना ही बना दिया। तो हिमांशु को जाना भी था ना, अगर मैं ब्रेकफास्ट बनाती तो वो बस थोड़ा सा नाश्ता करके ही चले जाते और फिर शाम तक आते, पूरा दिन फिर कुछ नहीं खाते। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो बस दाल रोटी सब्जी जो है ना वही बना लेती हूँ। तो ये कल जो मैंने बैगन लिए थे ना, मैंने पहले तो सोचा था कि इसका जो चोखा होता है ना बैगन का वो बनाऊंगी, लेकिन अभी तो इतना टाइम नहीं है बनाने का। तो फिर इसीलिए ना मैं आलू बैंगन की सब्जी ही बना दूंगी। एक बैंगन ही यूज़ करूंगी अभी और एक बैंगन अभी रखा हुआ है, वो बाद में कभी यूज़ हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे दो आलू काट लिए हैं और एक जो बड़ा साइज़ का जो बैंगन था वो मैंने सब्जी के लिए काट लिया है, और उधर मैंने ना दाल भी चढ़ा दी है बनने के लिए। तो दाल बन रही है और अब मैं लगा लेती हूँ सब्जी में तड़का। मांसों को बस खाना खा के जल्दी से वो निकल जाएंगे अपने काम पे। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तेल जब गर्म हो गया फिर मैंने उसमें डाल दिया है मेथी और फिर डाल दिया हरी मिर्च, क्योंकि जो आलू बैंगन की सब्जी होती है ना उसमें जो मेथी का तड़का होता है ना बहुत अच्छा सा टेस्ट लगता है उसका। और फिर मैंने सब्जी डालने के बाद हल्दी और नमक डाल दिया है। तो इस वाली सब्जी में बस मैं इतना ही डालती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डालना है मुझे। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैं ढक के रख दूंगी पकने के लिए। और कल रात का ना थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, इसीलिए मैंने आटा गूंथा नहीं है। मैंने सोचा कि पहले जो कल रात वाला आटा था वो ख़त्म हो जाए, फिर मैं फ्रेश आटा गूंथूंगी शाम तक। तो मैं यहाँ पे अब रूप बना लेती हूँ फटाफट रोटियाँ। और यहाँ पे हम लोगों ने खाना खा लिया और हिमांशु ने भी खाना खा लिया है। उन्होंने खाना खा के वो चले गए अपने काम पे। तो यहाँ पे मैंने ना सुबह, आजकल क्या होता है ना सुबह बहुत ज़्यादा कोहरा होता है, ठंड होती है, तो ना यहाँ पे धोलना नहीं हो पाता, इसलिए जब धूप निकल जाती है ना मैं तब यहाँ पर धोती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो पाइप्स है ना, तो पाइप से थोड़ा सा पानी मार देती हूँ, फिर उसके बाद झाड़ू से उसको अरे वाइपर से पानी साफ कर देती हूँ। और साथ ही साथ जो बाहर थोड़े से प्लांट हमने लगाए हैं ना फूल वगैरह के, तो उसमें भी ना इसी पाइप से ना मैं पानी डाल देती हूँ। और जो बाहर का थोड़ा सा गेट के बाहर का एरिया है ना उसे भी मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जब गेट के बाहर से आओ तो चप्पल वगैरह में मिट्टी भी आ जाती है। तो इसीलिए पूरा बाहर तक मैं धुल देती हूँ ताकि ना पूरा घर तो साफ़ रहता ही रहे, साथ में जो बाहर का एरिया है ना वो भी साफ़ रहे। तो उस वाइपर वगैरह लगाने के बाद अब मैं जो कपड़े हैं ना, मैंने कपड़े लगाए हुए थे तो सारे, एक्चुअली कपड़े ना मैंने कल रात में ही लगा दिए थे, तो कपड़े ना मतलब धुले हुए थे, बस मुझे ना धूप में फैलाना था। तो यहाँ पे जो अभी कपड़े हैं ना वो भी मैं फैला दूंगी। और आजकल कपड़े ना एक दिन में नहीं सूख रहे, 2 दिन लग जा रहे हैं सूखने में, क्योंकि धूप ही इतना लेट निकलती है और 1-2 घंटे की धूप रहती है, और वो भी बहुत हल्की सी धूप रहती है, तेज नहीं रहती है। तो मतलब 2 दिन ही आराम से लग जाते हैं सूखने में। और फिर यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन को समेटने के लिए। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत किचन का समेट दूंगी, क्योंकि हमने जब खाना खा के ना मैं सीधे बाहर ही चली गई थी धुलने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे पानी आता है, फिर पानी मतलब आधा 1 घंटा रहता है फिर चला जाता है, इसलिए मुझे लगा कि पहले बाहर की सफाई कर लूँ फिर उसके बाद अंदर की सफाई करूँगी, क्योंकि आज ना मुझे कहीं जाना नहीं है तो मैं घर पर ही थी, तो इसलिए मैंने पहले बाहर का कर दिया और मैं आराम से अपना जो घर का जो किचन के अंदर की ना वो सफाई कर रही हूँ। तो किचन वगैरह जो प्लेटफॉर्म पे मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, उसके बाद ये जो बर्तन है इनको भी अब मैं वॉश कर लूँगी। तो ये है कि अभी कर लूँगी ना तो मुझे अब दोपहर में कुछ काम कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि खाना वाना तो बन ही गया है, अभी कुछ बनाना नहीं है, अब सीधे शाम को मतलब या फिर रात का ही खाना बनेगा, बाकी तो अभी कुछ नहीं बनेगा, तो मेरा किचन जो है ना अब शाम तक ना साफ ही रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी हो गए शाम के 5:30, 5:30 नहीं 5:20 हो रहा है। अब मुझे इतनी तेज़ से भूख लगी ना, अभी मैं सोई थी मतलब 4 बजे सोई थी, उसके बाद ऑस्कर और हेबो की वॉक हुई, मैं जैसे आई मुझे इतना तेज़ से भूख लगी ना, तो देखो मैं अपने लिए क्या बना रही हूँ।
तो ये बनाए हैं जवे, नमकीन वाले जवे, जो मटर भी पड़े थे ना, तो मैंने मटर डाल के बढ़िया ये बना दिया है, तो अभी ये मैं खा लूँगी। बन रही हमारी चाय, और बस यहाँ पे बैठ के अब मैं जो मेरे नमकीन जवे हैं वो मैं खाऊंगी। और हिमांशु तो बिस्किट और चाय खा रहे थे, उनको भी भूख लगी थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि ना सुबह मैंने बस एक ही रोटी खाई थी, एक रोटी और आधी कटोरी दाल थी और थोड़ी सी सब्जी, तो सुबह का ही मैंने वही खाया हुआ था ना, तो इसलिए मुझे भूख लग गई थी। तो हमने वहाँ पे जो इवनिंग स्नैक है आज हमने वो खा लिया है, और फिर अभी टाइम हो गया है रात का खाना बनाने का। तो आज हिमांशु आ गए किचन में, आप लोग देख सकते हो। तो आज एक्चुअली ये बनाएंगे पनीर, ये ना पनीर की सब्जी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे ना जो कुछ खड़े मसाले ना, जैसे जीरा, काली मिर्च, धनिया नहीं था, दालचीनी, इलायची, इस तरह मसाले और लहसुन और अदरक दिया था पीसने के लिए। तो मतलब सिलबट्टे पे ही पीसने के लिए बोला था, जो सिलबट्टे पे जो मसाला पिसता है ना, तो जो उसका स्वाद है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और अलग सा भी लगता है, मिक्सी का उतना स्वाद नहीं लगता है। लेकिन हाँ ये कि थोड़ा सा टाइम तो लगता है, मेहनत भी लगती है सिलबट्टे पे पीसने का, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं पीस ही देती हूँ। फिर वो उनका काम, वो मटर छील लेते, मैंने कहा जब तक ये मैं पीस ही नहीं तब तक आप मटर छील दो। और फिर यहाँ पे मैंने मसाले वगैरह पीसने के बाद अब मैं यहाँ पे काट लेती हूँ प्याज, बाकी जो, और इन्होंने ये जो मसाले थे ना इसमें धनिया और हल्दी और वो मिला दिया था लाल मिर्च पाउडर, तो मसाले में इतना मिलाया हुआ है। और जो हमारा ये पीतल का पतीला है तो इसी में बनाएंगे। तो उन्होंने तेल डाला, फिर उसके बाद डाला तेज़पत्ता, और फिर डाला हींग। तो इनकी आज हिमांशु की, जो मेरे हस्बैंड, उनकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं कर पाई थी ना, तो आप लोगों ने बोला था नेक्स्ट टाइम शेयर करना। तो ये जो प्याज हम बारीक बारीक काटे थे ना, तो प्याज भी मैंने उसमें अच्छे से भून लिया है, मतलब मैंने नहीं, इन्होंने भून लिया है, मैं बस बता रही हूँ आपको। और फिर मैंने यहाँ पे चावल भी चढ़ा दिए, क्योंकि ना जो पनीर, मटर पनीर की सब्जी बन रही है ना, तो उसके साथ ना चावल भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और ये प्याज देखिए अब गोल्डन ब्राउन तक भून चुका है। फिर उसके बाद जो मसाले उन्होंने सब मिक्स किए थे ना, मसाले डाल दिए हैं, अब मसाले को भी ना अच्छे से भुनेंगे थोड़ी देर तक। और जब मसाला भुन चुका है तो उन्होंने थोड़ा सा डाला है कसूरी मेथी। तो किचन में जितने भी मसाले होते हैं ना, जो हिमांशु किचन में आते हैं ना, तो सारे मसालों का ही यूज़ करते हैं, वो खोल खोल के ना सारे डब्बे वगैरह देखते रहते हैं क्या क्या रखा हुआ है। और फिर उसके बाद इन्होंने डाला है 1 चम्मच फ्रेश की क्रीम, जो घर पे हमारी जो मलाई खट्टी करते हैं ना, तो वो डाला है। फिर उसके बाद मलाई को भी अच्छे से भून लिया, जब तक मलाई ने तेल मसाले ने तेल नहीं छोड़ दिया। और फिर उसके बाद आप जाके उन्होंने नमक ऐड किया, मैं तो पहले ही सब कुछ ऐड कर लेती हूँ इन लोग, लेकिन इन्होंने आप जाके नमक ऐड किया है। और फिर यहाँ पे ये ऐड करना है 1 चम्मच बेसन, जिससे ना ग्रेवी जो है ना वो थिक बनती है, पतली ग्रेवी नहीं बनेगी, बेसन डालने से ना अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है। और फिर बेसन को भी ना थोड़ी देर तक, 2 मिनट तक भून लिया था, उसके बाद ये जो मटर थी ना मटर डाल दिया है। अब मटर को भी ना एकदम अच्छे से भून लेंगे, मतलब जब तक, मतलब आधे से ज़्यादा पक जाएगी। तो देख सकते हैं जो मसाले के साथ ना मटर को भी बहुत अच्छे से भून लिया है। फिर उसके बाद पानी डाल दिया है, तो पानी को भी अच्छे से थोड़ा सा, मतलब 1 मिनट तक पकाया। फिर उसके बाद इसमें दूध ऐड कर रहे हैं, तो इन्होंने कम से कम मेरे ख्याल से आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा या आधा कप के बराबर जो कि है ना वो दूध ऐड किया था। दूध डालने से ना जो मसाले वगैरह का जो टेस्ट है ना एकदम बैलेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगता है और कम भी नहीं लगता, एकदम बैलेंस हो जाता है। तो उधर पनीर बन रही है, और इधर हमने मैं बना रही हूँ रोटियाँ, चावल भी बन चुका है, और इधर अब मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। और रोटी बन चुकी है, अब लास्ट में ऐड कर रहे हैं पनीर, बस 2 मिनट बाद ना जो पनीर है वो बन जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ना मैं इस ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।